नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड जीके के सातवें लेक्चर में उत्तराखंड वन, वन संस्थान, वन अधिनियम और वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। इसमें हम जानेंगे उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, साथ साथ हम चर्चा करेंगे प्रमुख वन संस्थान और जो बोर्ड है उत्तराखंड में, और FSI और FRI के बारे में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर उस लिंक के माध्यम से आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF के माध्यम से अपना रिविजन भी कर सकते हैं। लेक्चर जैसे आप दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो एक बार आपको जरूर एक या दो बार उसको रिवीजन भी करना है, तभी आप लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तराखंड में वनों के प्रकार, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो उत्तराखंड में जो वन पाए जाते हैं तो किस प्रकार से उत्तराखंड के वनों को यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से बांटा गया है। तो आपने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा है, मैंने आपको इसी परीक्षावाणी सीरीज में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन बता रखा है। ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये मैंने आपको बता रखा है। साथ ही साथ जलवायु भी मैंने आपको बता रखी है। तो उत्तराखंड में ऊंचाई और जलवायु के आधार पर इन वनों को विभाजित किया गया है। यानी आप सभी जानते हैं कि देखो इस प्रकार से उत्तराखंड आयताकार है उत्तराखंड, ठीक है। अब जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ोगे ऊपर की ओर, तो ऊपर जाते जाते वनस्पति का अभाव धीरे धीरे घटेगा। एक क्षेत्र ऐसा आएगा जहां पे बिल्कुल क्या है, घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पे वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर का जो क्षेत्र है यहाँ पे पूरा क्या है, हिमच्छादित रहता है, यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पे तो खैर वनस्पति बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। जबकि अगर हम बात करें जो ये आपके दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे जो बारिश होती है, जलवायु वाली वीडियो मैंने आपको बता रखा है उत्तराखंड में किस प्रकार से बारिश होती है, किस क्षेत्र में अधिक बारिश होती है। तो इस क्षेत्र में बारिश यहाँ पे ठीक ठाक होती है, अच्छी मात्रा में होती है। तो इसी आधार पर, जलवायु के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर वनों को विभाजित किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वनों के प्रकार में पहला जो वनों का प्रकार है वो है उपोष्ण कटिबंधीय वन। देखो जो उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, कितनी ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, 1200 मीटर की ऊंचाई तक जो वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, उन्हें कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो जो आपका तराई विशेषकर, ठीक है, विशेष तौर पर तराई और जो भाबर का क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं। अब देखो ये जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है ये है नमी युक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। नमी युक्त मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो तराई और भाबर के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो अच्छी खासी होती है। यानी अगर हम बात करें उपोष्ण कटिबंधीय वन में जो औसतन बारिश होती है लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। तो यहाँ पे ये नमी युक्त क्या है, आपके क्षेत्र है। तो ये वन यहाँ पे तराई और भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। 1200 मीटर की ऊंचाई तक जो वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, उन्हें कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। अब इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो आपका सेमल हो गया और आपका क्या हो गया, साल। सबसे प्रमुख जो वृक्ष है उपोष्ण कटिबंधीय वन का वो है साल। साल का वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। उसके बाद आता है आपका हल्दू, बांस। तो ये प्रमुख वृक्ष है दोस्तों, सेमल, साल, हल्दू, बांस, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत आते हैं। ये आपके दक्षिणी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो नमीयुक्त क्षेत्र है। नमीयुक्त क्षेत्र क्यों है, क्योंकि वर्षा अच्छी खासी होती है, 200 सेंटीमीटर के आसपास औसतन, और यहाँ पे ठंडा भी अधिक नहीं पड़ता है। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाते हो वो हिमालय क्षेत्र आता है। तो उत्तर की ओर जाने पर उत्तराखंड का मैंने आपको स्थिति बता दी है, भौगोलिक विभाजन मैंने आपको बता रखा है। जैसे आप उत्तर की ओर जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडा और अधिक होता जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये नमीयुक्त क्षेत्र, यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है 200 सेंटीमीटर औसतन, तो इसलिए
इसको नमी युक्त क्षेत्र कहा जाता है और ऊंचाई कितनी है 1200 मीटर के आसपास, तो इन्हें कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। दूसरे प्रकार के जो वन है उत्तराखंड में वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन। अब जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं 1200 मीटर से लेकर 1500 मीटर के आसपास। और यहां पे देखो ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड की स्थिति आप यहाँ पे इस प्रकार से दे सकते हो, ये है उत्तराखंड। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, देखो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। थोड़ा आप और उत्तर की ओर जाओगे यानी और ऊंचाई पर, तो यहाँ पे पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है जलवायु वाली वीडियो में कि जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाओगे, उत्तर की ओर जाते हो तो वर्षा की मात्रा कम होती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन जहां पे पाए जाते हैं वहां पे 200 सेंटीमीटर के औसतन वर्षा होती है, और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है औसतन। तो जहां पे वर्षा कम होगी यानी वहां पे पानी की मात्रा क्या है, कम। और पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये पेड़ क्या करते हैं, ये वन क्या करते हैं, पतझड़ करते हैं अपनी पत्तियों को, मतलब इनकी पत्तियां झड़ जाती है। इनकी पत्तियां क्या होती है, एक निश्चित मौसम में क्या होती है, इनकी पत्तियां झड़ जाती है, अपनी पत्तियों का त्याग कर देते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पतझड़ वन, पतझड़ वन यानी पर्णपाती वन। ये अपनी पत्तियों का त्याग क्यों करते हैं, आप सभी जानते हैं कि देखो ये वृक्ष है, ये क्या है वृक्ष है, इसमें ये पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या होता है स्टोमेटा होता है जो कि क्या करते हैं ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन करते हैं। और जब ये ट्रांसपायरेशन यानी वाष्प के माध्यम से ये पानी क्या करते हैं, पानी का त्याग करते हैं, तो अगर ये वाष्प का उत्सर्जन करेंगे तो यानी इनकी जो जड़ होंगी इनको अधिक पानी की आवश्यकता होगी। अब जिस क्षेत्र में पानी की कमी है तो वहां पे ये जो रूट्स होती हैं पेड़ की जो जड़ होती है वो पानी कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए एक मौसम में ये क्या कर देते हैं अपना पतझड़ कर देते हैं, पत्तियों का त्याग कर देते हैं, तो इसलिए इनको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये अपनी पत्तियों का त्याग नहीं करेंगे तो पत्तियां क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन करेंगे यानी वाष्प का उत्सर्जन करेंगे, और इसलिए जड़ों को अधिक पानी की आवश्यकता होगी। अब इस क्षेत्र में पानी की पहले ही कमी है तो इसलिए इस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं यानी जो अपनी पत्तियों का त्याग करते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ये उत्तराखंड में किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 1200 मीटर से 1500 मीटर के आसपास। अब जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है उत्तराखंड में, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती शुष्क वन और एक है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आद्र वन। आद्र वन का मतलब जहां पे क्या है आद्र क्षेत्र, यहां पे मतलब शुष्क क्षेत्र की अपेक्षा अधिक आद्र मौसम में नमी अधिक है, तो यहां पे जो वर्षा की मात्रा है वो है 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास, और यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है वो और कम होती है 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर के आसपास, शुष्क यानी जो सूखा क्षेत्र है और आद्र यानी जहां पे थोड़ा नमी युक्त क्षेत्र है। तो दो भाग में बांटे गया है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती शुष्क वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आद्र वन। शुष्क वनों में कौन कौन से पेड़ आते हैं, जैसे आपका जामुन हो गया, आपका तेंदू हो गया, ये आपको नोट करना है सारा, ठीक है, तेंदू हो गया, बेल हो गया। जबकि अगर हम आद्र वनों की बात करें, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आद्र वन के अंतर्गत आते हैं सागौन, ये सारे क्या है पतझड़ वनों के अंतर्गत आते हैं, सहतूत, आम हो गया आपका, और उसके बाद आंवला हो गया आपका, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं आद्र वनों के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये पतझड़ क्यों करते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए इनको अपनी पत्तियों का त्याग करना होता है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये तो पाए जाते जो उपोष्ण कटिबंधीय वन थे वो तराई और भाबर क्षेत्र में पाए जाते, जबकि जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है ये पाए जाते आपके शिवालिक और दून क्षेत्र में। यहां तक आपका क्लियर हो गया, इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर सकते हैं, आप वीडियो भी देखते रहे और साथ ही साथ नोट्स भी आपको बनाने हैं।
अभी भले ही आप रफ कॉपी पे बना सकते हैं, उसके बाद अपने अच्छे से नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा है वनों का प्रकार, वह है पर्वतीय वन। अब जो पर्वतीय वन है ये हिमालय क्षेत्र में, जैसे हिमालय क्षेत्र शुरू हो जाता है, शिवालिक क्षेत्र के ऊपर का क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र जैसे ही शुरू हो जाता है और उस हिमालय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पर्वतीय वन। और हिमालय क्षेत्र में जो ये पर्वतीय वन है इसको भी क्या है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो, एक है आपका कोणधारी वन, जो कोण के समान जो वन होते हैं कोणधारी वन, और दूसरा है आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन। यानी और उत्तर में जाओगे तो शीत यानी ठंडा पड़ेगा, तो उन वनों को कहते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। अब देखो जो कोणधारी वन है ये वन इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से आपने चीड़ का वृक्ष देखा होगा। इन कोणधारी वनों में जो सबसे प्रसिद्ध वृक्ष है उत्तराखंड का वो है दोस्तों चीड़ का वृक्ष। सर्वाधिक प्रमुख वृक्ष कोणधारी वनों में कौन सा वृक्ष है उत्तराखंड में, चीड़ का वृक्ष। अब आप सभी जानते हैं कि ये कोणधारी क्यों होते हैं, कोणधारी इसलिए होते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र वहां पे क्या होती है, बर्फ पड़ती है, और जब बर्फ पड़ती है तो ये अगर इस प्रकार से होंगे, जैसे आपने बांध का वृक्ष देखा होगा, जो बांध का वृक्ष होता है या जो मैदानी क्षेत्र में जैसे आम के पेड़ होते हैं वो फैले हुए होते हैं, तो इनके ऊपर यदि क्या होती है बर्फ पड़ती है तो बर्फ का वजन बढ़ जाता है, तो इसके कारण से जो पेड़ की टहनियां होंगी वो टूट जाएंगी। तो जो चीड़ वृक्ष होते हैं या जो कोणधारी वन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यानी अगर बर्फ गिरती है ऊपर तो ढलान में बर्फ अपने आप क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है, पेड़ पर बर्फ का कोई भी वजन नहीं आ सकता है, इसलिए पेड़ बिल्कुल क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो कुल मिला के अनुकूल परिस्थिति के अनुसार वहां पे ये वनस्पतियां भी अपने हिसाब से क्या करती है, अपना विकास करती है, उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो कोणधारी वन सबसे प्रसिद्ध वन है कोणधारी वनों में, वो है आपका चीड़ का वृक्ष। और ये कोणधारी वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं कोणधारी वन हिमालयी क्षेत्र में। जबकि जो आपका क्या है, जो आपका पर्वतीय शीतोष्ण वन है ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लगभग 1800 से लेकर 2700 मीटर तक, 1800 से लेकर 2700 मीटर तक ये आपके पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इन पर्वतीय शीतोष्ण वनों में तीन वृक्ष दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, कौन कौन से आपके, बांध हो गया आपका, दूसरा है मोरू। जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं और पर्वतीय क्षेत्र की जो महिलाएं होती है वो अक्सर अपने जो उनके पशु होते हैं उनके चारे के रूप में बांझ और मोरू का प्रयोग अत्यधिक करते हैं, और तीसरा होता है खरसू। ये तीन वृक्ष इसका प्रयोग जो पशु होते हैं उनके चारे के रूप में अत्यधिक रूप से किया जाता है, इनके पत्तियों का प्रयोग, बांझ मोरू खरसू, तीन वृक्ष ये किस में आते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र में जहां पे ठंडा क्षेत्र अधिक होता है, शीत क्षेत्र यानी ठंडा क्षेत्र अधिक होता है, वहां पे ये वृक्ष अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, बांझ मोरू और खरसू, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ठंडे इलाके के क्षेत्र। उसके बाद जो चौथा प्रकार है वनों का वो है यहाँ पे एल्पाइन वन। किस प्रकार के वन है, एल्पाइन वन। ये एल्पाइन वन और अधिक ऊंचाई के क्षेत्र में पाए जाते हैं, लगभग अगर हम ऊंचाई की बात करें 2700 मीटर। देखो 2700 मीटर काफी ऊंचाई का क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जैसे आप उत्तर में जाओगे वहां पे पानी की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वहां पे वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। जलवायु वाली वीडियो में मैंने काफी अच्छी तरीके से दोस्तों मैप के माध्यम से आपको समझा रखा है, तो इसलिए इतना डिटेल्स में यहाँ पे मैं आपको जाऊंगा नहीं। यहाँ मैं इतना आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे उत्तर की ओर आप बढ़ते हो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अब यहाँ पे जब वर्षा की मात्रा कम होती जाती है तो जो एल्पाइन वन में जितने भी वन पाए जाते हैं इनकी पत्तियां जो होती है वो नुकीली होती हैं। पत्तियां क्या होती है, नुकीली। देखो मैंने आपको यहां पे बताया था पर्णपाती वन, पतझड़ वन अपनी पत्तियों का त्याग क्यों करते हैं, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। और इनकी पत्तियां यानी जो एल्पाइन वनों की पत्तियां नुकीली पाई जाती हैं वो इसीलिए पाई जाती हैं क्योंकि वहां पे पानी की कमी है, और अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए
यहाँ की जो वनस्पतियां होती हैं इनकी पत्तियां किस प्रकार की होती है? नुकीली होती हैं। नुकीली, आप देखो कोई जो चौड़ी पत्ती होगी तो उसमें जो आपका स्टोमेटा होंगे इस प्रकार से होंगे, और ये ट्रांसपायरेशन करेंगे यानी वाष्प के रूप में जल का त्याग करेंगे। अब जिनकी पत्तियां नुकीली होंगी तो ये इनकी अपेक्षा क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इसलिए जितने अधिक ऊंचाई पर आप जाओगे वहां पे अल्पाइन वन जब पाए जाएंगे तो इनकी पत्तियां होती हैं नुकीली, और 2700 मीटर की ऊंचाई पर ये वनस्पतियां, ये वन पाए जाते हैं। इसमें प्रमुखता जो वन आते हैं आपके देवदार हो गया, उसके बाद आपका भोजपत्र हो गया, और साथ ही साथ जो ब्लू पाइन हो गया, ये कुछ प्रमुख वन पाए जाते हैं एल्पाइन। ये प्रमुख जो प्लांट पाए जाते हैं एल्पाइन वन के अंतर्गत जो आते हैं। उसके बाद और ऊंचाई पर जाओगे तो वहां पे सिर्फ झाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक क्षेत्र ऐसा आता है, ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका क्या है? उत्तराखंड है। तो सिर्फ इसी क्षेत्र तक क्या है? वन है। इसके ऊपर बिल्कुल क्या है? खाली है। ये बिल्कुल कैसा है? यहाँ पे घास होंगी, कुछ झाड़ियां होंगी, और फिर ऊपर का जो क्षेत्र होगा वहां पे तो खैर बर्फ से ही ढका होगा, यहाँ पे तो खैर कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो एल्पाइन झाड़ियां और अधिक ऊंचाई पर यानी 2700 मीटर से और अधिक ऊंचाई पर जाने पर वहां पे केवल क्या पाई जाती हैं? एल्पाइन झाड़ियां पाई जाती हैं। ये एल्पाइन झाड़ियां लगभग 3000 से लेकर 3600 मीटर तक पाई जाती हैं। और इन्हीं, देखो एल्पाइन झाड़ियां, झाड़ियां तो यहाँ पे पाई जाती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जो बुग्याल पाए जाते हैं, घास के मैदान यानी बुग्याल। और अंत में जो छठा यहाँ पे वनों का प्रकार है वो है टुंड्रा वनस्पतियां। टुंड्रा वनस्पतियों में विशेषकर लाइकेन पाए जाते हैं, लाइकेन, और इसमें आपका काई हो गया और घास, ये वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो सदैव हिमच्छादित रहता है, वहां पे किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों उत्तराखंड में वनों के प्रकार, इसके बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझा दिया है। उपोष्ण कटिबंधीय वन क्या है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है, किस प्रकार से ये पतझड़ करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बाद हमने पर्वतीय वन जिसमें दो प्रकार के वन आते हैं, कोणधारी वन और पर्वतीय शीतोष्ण वन, उसके बाद एल्पाइन वन, एल्पाइन झाड़ियां और टुंड्रा वनस्पतियां, ये उत्तराखंड में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऊंचाई के आधार पर और जलवायु के आधार पर वनों को इतने प्रकार में यानी 6 प्रकार में बांटा गया है। तो यहां तक आपका दोस्तों कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चिंत पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं भारतीय वन विभाग और वन अधिनियम। देखो भारतीय वन विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी? वन विभाग का मतलब आप समझते हैं ना, फॉरेस्ट विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों से संबंधित प्रमुख मतलब वनों को संरक्षित करने के लिए प्रमुख नियम लागू करना, अधिनियम लागू करना और प्रमुख नीतियां बनाना, ये वन विभाग का क्या होता है? कार्य होता है। अब जो भारतीय वन विभाग है, मैंने आपको बताया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले जब तक भारतीय वन विभाग नहीं था यहाँ पे वनों का कटाव, वनों का जो दोहन हो रहा था वो अत्यधिक हो रहा था। तो वनों के संरक्षण के लिए यहाँ पे स्थापना की जाती है भारतीय वन विभाग की। तो भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई, और इस समय भारत में किसका शासन था? ब्रिटिशर्स का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अब जो भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई तो इस भारतीय वन विभाग का जो प्रथम महानिरीक्षक बनाया गया, प्रथम महानिरीक्षक यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं आपको, महानिरीक्षक बनाया गया, वो बनाया गया था डेट्रिच ब्रैंडिस को, ब्रैंडिस। डेट्रिच ब्रैंडिस एक जर्मनी व्यक्ति थे, ये जर्मन के थे, और एक वनस्पति शास्त्री थे डेट्रिच ब्रैंडिस, जिनको भारतीय वन विभाग का प्रथम महानिरीक्षक बनाया गया था। अब भारतीय वन विभाग की स्थापना तो हो गई, अब इस वन विभाग में सर्विस करने के लिए कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता तो होती है जिनको वनों से संबंधित क्या हो? जानकारी हो। तो इसलिए 1864 में ही इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की गई। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस जो क्या करा सके? एग्जाम करा सके। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस IFS का, जिसको आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता है। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना, इस समय अंग्रेजों का शासन था,
तो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की गई 1864 में, जबकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1966 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंपीरियल की जगह क्या रखा गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना होती है 1966 में, जबकि IFS इसको भी IFS ही कहा जाएगा, आय का मतलब यहां पे क्या है, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, जिसकी स्थापना होती है 1864 में। और प्रथम बार जो IFS यानी इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है वो होता है 1867 में, और इसमें जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनको उस समय, क्योंकि भारत में इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो उनको जर्मन और फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि जो वन विभाग है 1864 में वहां पे यानी भारत में तो हो गई है वन विभाग की स्थापना, और टिहरी में, पहले हम कुमाऊं की बात कर लेते हैं क्योंकि कुमाऊं में भी ब्रिटिश शासन था, तो 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना होती है। उसके बाद 1869 में होती है गढ़वाल, यहां पे आपको लिखना है गढ़वाल वन विभाग की स्थापना, और 1885 में दोस्तों होती है टिहरी वन विभाग की स्थापना। तो उत्तराखंड में 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई थी, 1869 में, ये मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, जब मैंने ब्रिटिश शासन आपको पढ़ा रहा था वहां पे मैंने ब्रिटिश शासन वन प्रबंधन वाला टॉपिक जब आपको कराया था तो वहां पे इसके बारे में बताया था। तो 1869 में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई, और 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित केशवानंद। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों वन विभाग की स्थापना तो हो गई है, अब वन विभाग की स्थापना हो गई है और वनों में जो कटाव हो रहा है उसको रोकने के लिए लाया गया प्रथम अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1865। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया, तो 1865 में वनों से संबंधित पहला कानून कब लाया गया, भारतीय वन अधिनियम 1865 में। अब ये कानून लागू किया गया और इस कानून के तहत जो जितने भी वन थे वो सरकार के अधिकार में आ गए थे। इससे पहले क्या होता, कोई भी वनों में जाता उनकी कटाई कर देता था, अब सभी वनों को सरकार ने अपने अंतर्गत ला दिया है और वनों में जो अब तक अंधाधुंध कटाई हो रही थी उसमें रोक लग गई। उसके बाद यहां पे हो गया, ठीक है, 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना, ये मैंने आपको बता दिया है। अब 1865 के बाद जो अधिनियम में संशोधन होता है वो होता है 1878 में, यानी जो भारतीय वन अधिनियम 1865 था उसमें प्रथम बार संशोधन कब किया गया, 1878 में किया जाता है, और जो ये राष्ट्रीय वन अधिनियम 1878 लाया जाता है इसके तहत वनों को बांटा जाता है दो भागों में, रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट यानी जो आरक्षित वन थे इनको पूरी तरह से आरक्षित कर लिया गया था, यानी यहां पे किसी को भी जाना नॉट अलाउड, यानी आप यहां पे किसी भी प्रकार की वनस्पति को नहीं काट सकते हैं, किसी भी प्रकार के वन को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए नॉट अलाउड यानी किसी को यहां पे अनुमति नहीं थी वनों का दोहन करने की, तो इसलिए इसको कहा गया आरक्षित वन। और दूसरा था यहां पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन। इन वनों में कुछ नियमों की ढील दी गई थी, यानी जो ग्रामीण लोग हैं वो कुछ नियम कानूनों या सरकार की अनुमति के माध्यम से इन वनों में जा सकते थे, अपने पशुओं के लिए चारा ला सकते थे इन संरक्षित वनों से, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट से यानी आरक्षित वन में वो ग्रामीण भी बिल्कुल यहां पे नहीं जा सकते थे। और इसी भारतीय वन अधिनियम 1878 के माध्यम से दोस्तों पहली बार 1878 में क्या किया गया, जो टिम्बर लकड़ी, टिम्बर का मतलब समझते हैं इमारती लकड़ी, ठीक है, टिम्बर लकड़ी पर प्रथम बार टैक्स लगाया गया। टिम्बर लकड़ी पर प्रथम बार टैक्स कब लगाया गया, 1878 में, यानी जिसको इमारती लकड़ी चाहिए, इमारत बनाने के लिए टिम्बर लकड़ियां चाहिए, उसको सरकार को टैक्स भरना पड़ता था तब जाके वो उसकी कटाई कर सकता था। और इसी 1878 में दोस्तों क्या होता है, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, पहली बार फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, जिसको आज FRI कहा जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है आपका, देहरादून है, इसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में लास्ट में चर्चा करने वाले हैं, तो ये आपका देहरादून है। तो इस FRI की स्थापना तो 1906 में होती है, क्योंकि उस समय इसका नाम क्या रखा जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन प्रथम बार 1878 में इसकी स्थापना हुई थी एक स्कूल के रूप में, जिसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून,
और इस फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना 1878 में की गई थी किसके द्वारा? डेट्रिच ब्रैंडिस, जो कि भारतीय वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक थे। तो यहां तक दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें यहां पे बता रहा हूं, अच्छी तरीके से आपको नोट करना है। उसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1878 में संशोधन कब किया गया? 1927 में, और इसे कहा गया भारतीय वन अधिनियम 1927। भारतीय वन अधिनियम 1927 में वनों को बांटा गया था तीन भागों में, कौन कौन से थे वो? रिजर्व फॉरेस्ट, या आप सभी जानते हैं जहां पे बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया था किसी को भी, आरक्षित वन। दूसरा था संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कुछ छूट दी गई थी ग्रामीणों को। और विलेज फॉरेस्ट यानी ग्रामीण वन, जो गांव के आसपास के जो वन है उन्हें भी सरकार के अंतर्गत लाया गया था और उन्हें नाम दिया गया था विलेज फॉरेस्ट का, यानी ग्रामीण वन। तो इस अधिनियम के तहत जो वनों से प्राप्त हर उपज थी उस पर भी टैक्स लिया गया। देखो, जो 1878 का अधिनियम था इसमें तो सिर्फ टिम्बर की लकड़ी पर टैक्स लिया जा रहा था, जबकि जो भारतीय वन अधिनियम 1927 लाया गया इसमें जितने भी प्रकार के वनस्पति हैं, जितने भी प्रकार के उत्पाद हैं वनों से जो हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं वनों से, अगर कोई वनों से लेता है तो उसको सरकार को टैक्स भरना पड़ता था, यानी वनों से प्राप्त हर प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया गया था भारतीय वन अधिनियम 1927 के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम 1927 में एक और संशोधन किया गया हाल ही में 2017 में, जिसका नाम क्या था? भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017। इसकी खास बात क्या थी? देखो, इस समय जो तत्कालीन पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री थे हर्षवर्धन, इन्होंने भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 को यहां पे पेश किया था और 26 दिसंबर 2017 को यह राज्यसभा में भी पारित हो गया। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी इस अधिनियम में? जो आपका बांस है, यह है बांस, तो 2017 से पहले बांस को रखा जाता था वृक्ष की श्रेणी में, लेकिन 2017 में जब ये बांस था, यानी भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में इस बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में डाला गया? घास की श्रेणी में डाला गया था। बांस पहले वृक्ष की श्रेणी में था 2017 से पहले, और भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 जब लाया गया, पारित किया गया, तो इसमें बांस को घास की श्रेणी में डाला गया था। ये इसकी विशेष क्या थी, खास बात थी 2017 में जो संशोधन किया गया था। तो ये वन अधिनियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी की, राष्ट्रीय वन नीति। देखो, अधिनियम के तहत क्या बनाए जाते हैं? कानून, नियम बनाए जाते हैं, और पॉलिसी यानी वनों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक वनों को किस प्रकार से लगाया जाए, अधिक से अधिक वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, इसकी पॉलिसी एक नीति तैयार की जाती है जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय वन नीति। तो भारत की जो प्रथम वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये कब लाएगी? भारत की है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1952 में लाई गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत में पहली बार वन नीति लागू कब हुई, 1894 में, 94 में, 1894 में भारत की पहली वन नीति, पहली वन नीति, तो भारत की पहली वन नीति कब आई? 1894 में। इस समय ब्रिटिश का शासन था। जब अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई पहली वन नीति वो कौन सी थी, तो वो थी राष्ट्रीय वन नीति 1952, क्योंकि इस समय भारत आजाद हो चुका था, यहाँ पे भारत सरकार का शासन था। तो भारत सरकार ने जो अपनी प्रथम यानी फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की 1952 में, जबकि ब्रिटिशर्स के शासनकाल के दौरान ही 1894 में भारत में पहली वन नीति लागू हो चुकी थी 1894 में। अब जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है 1952 की, इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें उद्देश्य रखे गए थे वनों से अधिक उपज प्राप्त करना, वनों में पशुओं के चरने पर नियंत्रण, ठीक है, क्योंकि देखो अगर पशु बिल्कुल खुले छोड़े जाए वनों पे तो कहीं ना कहीं वनों की क्षति हो सकती है, वनस्पतियों का नुकसान हो सकता है, तो कहीं ना कहीं नियंत्रण रखा जाना था कुछ क्षेत्रों पर, इसीलिए अलाउड किया गया था
ग्रामीणों को कि वो अपने पशुओं को वहां पर ले जा सकते हैं वनों पर, लेकिन कुछ क्षेत्रों को बिल्कुल आरक्षित किया गया था, बिल्कुल नॉट अलाउड था वहां पे ग्रामीणों को जाना। साथ साथ तीसरा उद्देश्य क्या है, देश के कुल भूभाग के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए, ये विशेष उद्देश्य था। और मानव निर्मित वन क्षेत्र को बढ़ावा देना, मानव निर्मित का मतलब होता है यदि आप पेड़ लगाते हैं, यदि मानव स्वयं लगाते हैं पेड़, ठीक है, मानव द्वारा स्वयं लगाए गए पेड़, वृक्षारोपण आप इसे कह सकते हैं, स्वयं रोपित वन, तो अधिक से अधिक मानव निर्मित वन क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 यानी 1952 के मुख्य उद्देश्य थे। इसमें अगर हम बात करें वनों को, इसमें चार भागों में बांटा गया था, चार भागों में, कौन कौन से, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं। एक है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, ये तो पहले ही था, फिर दूसरा था नेशनल फॉरेस्ट, तीसरा था विलेज फॉरेस्ट, और चौथा था यहाँ पे ट्री एरिया यानी आपका वृक्षारोपण, जो कि मानव निर्मित वन क्षेत्र है, इसे कहा जाता है ट्री एरिया। मैंने एक वीडियो बना रखी है दोस्तों उत्तराखंड की, जो हाल ही में 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन रिपोर्ट जारी की गई थी 2022 में, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है, 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उत्तराखंड की। इसे मैंने आपको सारा डिटेल्स में समझा रखा है, ट्री फॉरेस्ट क्या होता है, मानव निर्मित वन क्या होते हैं, और उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो उसमें आपको डिटेल्स में पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैंने आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में, तो आपको सर्च करना है यूट्यूब में उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, क्योंकि वहां से आपके बहुत सारे एग्जाम जो आने वाले हैं आगामी, वहां पे एक या दो क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें एक संशोधन किया गया था 1952 में राष्ट्रीय वन नीति 1988 को लाकर, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को, और उसके बाद 98 में लाई गई, तो ये प्रथम भारतीय सरकार की फर्स्ट नेशनल पॉलिसी थी, तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है इसके उद्देश्य क्या क्या थे। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाता है 2001 में, किस प्रकार से उत्तराखंड का गठन होता है ये अलग टॉपिक है, मैंने आपको परीक्षावाणी सीरीज में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें बता रखा है। तो जब उत्तराखंड राज्य अलग होता है तो उत्तराखंड राज्य का अधिकांश भाग क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र के जो ग्रामीण निवासी रहते हैं वो निर्भर रहते हैं वनों पर, ये आप सभी जानते हैं। इनके जो पशु होते हैं, पशुओं के लिए चारा लाना, पशुओं को चारागाह के लिए ले जाना, यानी पशुओं को जंगलों में ले जाते हैं ताकि पशु वहां पे क्या कर सके, उनको चारा उपलब्ध हो सके, तो अधिकांशतः ग्रामीण वनों पर ही बिल्कुल क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001 यहाँ पे लागू की गई थी। क्या था उत्तराखंड राज्य वन नीति में, तो प्रदेश में व्याप्त जैव विविधता और वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण और संवर्धन की रणनीति व कार्य योजना तैयार करना, जैव विविधता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, जो आज अगर हम देखें आज के समय में जैव विविधता को बनाए रखना, बहुत सारे जीव विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं, बहुत सारे विलुप्त हो चुके हैं, तो प्रत्येक जीव को संरक्षित करना, जैव विविधता को बनाए रखना सबसे बड़ा लक्ष्य है आज के समय में। साथ साथ वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, क्योंकि बहुत सारे, जैसे अगर हम बाघों की बात की जाए, बाघों का अत्यधिक यहाँ पे क्या हुआ, अत्यधिक मारा गया था, हाथियों की यहाँ पे लगातार क्या की जाती है, उनको मारा जाता है मनुष्य अपने फायदे के लिए, तो इसलिए वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना भी आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। उसके बाद प्रदेश के वन क्षेत्र व वन उत्पादन में वृद्धि करना, ट्री एरिया को बढ़ावा देना, जो मानव निर्मित क्या है, वन है। उसके बाद ग्रामीण लोगों के लिए लकड़ी, चारा, जरूरतमंद उत्पादों को बढ़ावा देना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उत्तराखंड का, अधिकांश क्षेत्र क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो वनों के उत्पादों पर ही निर्भर रहते हैं, उनको खाना पकाने के लिए लकड़ी लाना है तो वनों से लाना पड़ेगा, अपने पशुओं के लिए चारा लाना है तो वनों से लाना पड़ेगा, तो जरूरतमंद जो भी चीजें होती है वनों पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड की फॉरेस्ट पॉलिसी इस प्रकार से होनी चाहिए कि यहाँ के जो ग्रामीण निवासी हैं उनको लकड़ी, चारा और जरूरतमंद जो भी उत्पाद है वनों से वो प्राप्त हो सके, इसमें बढ़ावा करना, और पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना, ये उत्तराखंड राज्य वन नीति जो कि 2001 में लाई गई थी। अब दोस्तों हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख वन संस्थान और प्रमुख वनों से संबंधित बोर्ड जिनकी स्थापना की गई है।
दून में वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। तो दून में वन संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1914 में। उसके बाद उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन, देखो उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन, ये मैंने आपको वहां पे भी कई बार बताया था, इसके बारे में डिटेल्स मैंने चर्चा करी थी जब मैंने ब्रिटिश वन प्रबंधन आपको बताया था हिस्ट्री में, तो यहाँ पे आपका रिवाइज भी हो गया होगा। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया था 1931 में। क्यों किया गया था? क्योंकि उत्तराखंड, यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे वनों पर जो नियम लागू कर रही थी सरकार, कहीं ना कहीं वो आड़े आ रहे थे ग्रामीणों के, और ग्रामीण यहाँ पे लगातार इसीलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर देखो शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं, अगर वनों के कैसे भी नियम बनाए जाए उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो वनों पर क्या है बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, उनको ना कहीं चारा लाना पड़ता है अपने पशुओं के लिए क्योंकि उनके पास होते नहीं है, साथ साथ उनको लकड़ी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है इनको चारा भी लाना पड़ता है, लकड़ी भी लानी पड़ती है, यानी वनों पर बिल्कुल क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब सरकार यहाँ पे क्या कर रही थी इस समय 1931 में, ये तो ब्रिटिश सरकार थी, तो जब ब्रिटिश सरकार ने वनों के नियम, वनों के लिए नियम लागू किए वनों को संरक्षित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी उससे अत्यधिक प्रभावित हो रहे थे और लगातार क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो इसलिए उत्तराखंड में प्रत्येक मतलब पंचायती स्तर पर वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 में, ताकि ये वन पंचायत वहां के लोगों की समस्या सुन सके और लोगों के बीच और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। तो उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन 1931 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देहरादून में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद दोस्तों भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना 1952 में होती है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी जो वन्य जीव है, वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए अधिनियम लाया जाता है 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया? 1972 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था वनों में जो भी जीव जंतु हैं उनका संरक्षण करना, क्योंकि देखो हम वनस्पति, जो हमारे वनों में वृक्ष थे, पेड़ थे, वनस्पतियां थी, उनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने बहुत पहले से बहुत सारे कदम उठा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक तरफ से देखा जा रहा था कि जो वनों में अन्य जो जीव जंतु पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों हो रही है संख्या इनकी कमी? जैसे बाघों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, हाथियों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। क्यों हो रही थी कमी? क्योंकि लगातार इनका क्या किया जा रहा था, शिकार किया जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यहाँ पे लाया गया था, और इसी के एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1 अप्रैल 1973 को। ये प्रोजेक्ट टाइगर प्रथम बार शुरू कहा किया गया था उत्तराखंड में, उत्तराखंड का जो कार्बेट नेशनल पार्क है वहां पे 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था टाइगर का संरक्षण। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आप समझ गए होंगे यहाँ पे। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये कब लाया गया? 1980 में लाया गया था। तो ये प्रमुख वन संस्थान और बोर्ड थे जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे FSI एंड FRI, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से देखो FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी आपका, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? देहरादून है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप सभी जानते हैं, ये भी आपका कहाँ है? देहरादून है। यहाँ पे बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग घूमने भी जाते होंगे FRI, जो कि देहरादून में स्थित है। तो सबसे पहले हम FSI की स्थापना कर FSI की बात कर लेते हैं। FSI की फुल फॉर्म होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये क्या करता है? फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष में। द्विवार्षिक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है FSI के द्वारा। अभी द्विवार्षिक रिपोर्ट क्या है? देखो पहले स्थापना कब हुई थी FSI की? 1981 में, और इसका मुख्यालय है देहरादून। और FSI ने अपनी जो पहली रिपोर्ट जारी की थी ये कब की थी? पहली रिपोर्ट, ठीक है, ये जारी की गई थी 1987 में। 1987 में FSI ने अपनी पहली वन रिपोर्ट जारी की थी,
और हाल ही में दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है, 2022 ठीक है, इसका नाम है 17वीं वन रिपोर्ट 2021 जो कि 2022 में जारी की गई है हाल ही में। और उत्तराखंड की जो 17वीं वन रिपोर्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2 साल तक, क्योंकि जो अगली रिपोर्ट आएगी वो 2 साल बाद ही आएगी, तो 2 साल तक जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और विशेषकर जो आपका पीसीएस का एग्जाम होने वाला है अपर पीसीएस का, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो आपको सर्च करना है यूट्यूब में 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बाई जरदारी क्लासेस, हमारी वीडियो आ जाएगी, उसमें आपको डिटेल्स में बता रखा है। साथ ही साथ पीडीएफ के माध्यम से आपके लिए नोट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो देखो मतलब वनों में कितने 1% वृद्धि हुई है, किस जिले में कितने प्रतिशत वनों में वृद्धि हुई है, तो प्रत्येक क्षेत्र में वनों के वृद्धि के बारे में और किन क्षेत्र में वनों में कमी देखने को मिली है, किस क्षेत्र में मानव निर्मित वनों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये सारी रिपोर्ट जारी की जाती है FSI यानी भारतीय वन सर्वेक्षण के माध्यम से। इसका मुख्यालय कहाँ आपका देहरादून है, उद्देश्य देश में वन सर्वेक्षण करना और वन संसाधनों का आकलन करना, ठीक है। देखो मुख्यालय देहरादून है उत्तराखंड के देहरादून, लेकिन संपूर्ण देश की रिपोर्ट इसके माध्यम से जारी की जाती है, प्रत्येक राज्यों की अलग अलग से रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, द्विवार्षिक वन स्थिति पर रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट 1987 में। उसके बाद है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ है, तो ये भी आपका देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। देखो अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि FRI की स्थापना कब हुई, 1906 में, क्योंकि 1906 में ही इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया था, जबकि इसका एक्चुअली में स्थापना होती है 1878 में, मैंने आपको इसी वीडियो में पहले भी बता दिया है, 1878 में भारत के प्रथम फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना होती है देहरादून में, किसके द्वारा, डेट्रिच ब्रांडिस द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, उस समय ये एक स्कूल था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। उसके बाद दोस्तों 1884 में इस फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदला जाता है और इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, और फिर 1906 में इस इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा जाता है। और जब हमारे देश को, देखो इस समय तो अंग्रेजों के अधीन था, और जब आजाद हो जाता है देश तो इसको इंपीरियल से हटाकर क्या रखते हैं यहाँ पे, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हमारा इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम सीधे शॉर्टकट में क्या कहते हैं FRI कहते हैं, ये कहें आपका देहरादून में है, और क्योंकि इसको जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया था 1906 में दिया गया था, तो इसलिए माना जाता है कि FRI की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी, ये भी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे इन सभी टॉपिकों पर चर्चा की, हमने यहाँ पे देखा उत्तराखंड में वनों के प्रकार, वन अधिनियम, फॉरेस्ट पॉलिसी उत्तराखंड की और राष्ट्र हमारे देश की राष्ट्रीय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ प्रमुख बोर्ड और संस्थानों के बारे में चर्चा की और FSI और FRI के बारे में चर्चा की। हमारा जो वनों से संबंधित जो नेक्स्ट पार्ट होगा परीक्षावाणी का, उसमें हम जितने भी वन्यजीव विहार हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और साथ साथ जो भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं वनों से संबंधित, इनके बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों हमारी सीरीज पसंद आ रही है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।